Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study minimum learning outcome assessment, class 8th. Minimum न्यूनतम learning शिक्षण या सीखने की outcome means परिणाम assessment मूल्यांकन न्यूनतम शिक्षण परिणाम का मूल्यांकन 8th क्लास मिनिमम लर्निंग आउटकम असेसमेंट में स्टूडेंट्स 8th क्लास से हिंदी इंग्लिश मैथ्स और साइंस इन चार सब्जेक्ट्स का मिनिमम लर्निंग आउटकम असेसमेंट होना है तो हम यहां पर आपको केवल इंग्लिश के बारे में बताएंगे ठीक है हिंदी मैथ्स और साइंस का नहीं केवल इंग्लिश के बारे में ये 25 नंबर का एक सब्जेक्ट है 25 नंबर हिंदी 25 नंबर इंग्लिश 25 नंबर मैथ्स 25 नंबर साइंस के जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत इसका एक असेसमेंट एक इवेल्युएशन एक परीक्षा हमारे यहां 8th क्लास की हुई थी तो आइए शुरू करते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश यहां पर इस इंग्लिश के पार्ट में 3 सेक्शन हैं सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी तो सेक्शन ए में पैसेज दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली इस पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़ना है ठीक है फिर ये नीचे दिए हुए 5 क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन दिस एवो पैसेज इस पैसेज पर आधारित ये 5 क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस के आंसर हमें इस पैसेज से ढूंढ करके लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे हम आपको बताते हैं फिफ्टी ईयर एगो पीपल एट आइसक्रीम ओनली इन समर 50 वर्ष पहले लोग आइसक्रीम को केवल ग्रीष्म ऋतु में खाते थे नाउ इट इज ईटन ऑल द ईयर अराउंड और अब ये पूरे वर्ष खाई जाती है इट ओरिजिनेटेड इन द ओरिएंट सेंचुरीज बिफोर इंग्लिश बॉयज फर्स्ट टेस्टेड इट इट ओरिजिनेटेड इन द ओरिएंट ये पूर्वी देशों में पूर्व के देशों में इसका उद्भव हुआ इसका जन्म हुआ ये इसका निर्माण हुआ सेंचुरीज बिफोर इंग्लिश स्कूल बॉयज फर्स्ट टेस्टेड इट अंग्रेजी स्कूलों में लड़कों ने पहली बार इसको इसका स्वाद लिया मार्को पोलो सा पीपल ईटिंग आइसक्रीम देयर मार्को पोलो ने वहां पर लोगों को आइसक्रीम खाते हुए देखा एंड ब्रॉट बैक द आइडिया टू इटली और इटली को आइसक्रीम का विचार वापस लेकर आया फ्रॉम इटली द आइडिया वाज कैरीड टू फ्रांस और इटली से आइसक्रीम का विचार फ्रांस आया इट बिकेम वेरी पॉपुलर इन फ्रांस विद द राइस और ये फ्रांस में राइस के साथ बहुत ही लोकप्रिय हुई एंड एन एफर्ट वाज इवन मेड टू कीप द रेसिपी ए सीक्रेट फ्रॉम द कॉमन पीपल और जन सामान्य लोगों से इस आइसक्रीम को बनाने की विधि को गुप्त रखने का भी प्रयास किया गया
But of course, they soon learnt about this delicious new food. परंतु वास्तव में जिन जनमानस से इस आइसक्रीम की जो बनाने की विधि थी, आइसक्रीम को बनाने की विधि, उसको गुप्त रखने का प्रयास किया गया, परंतु वास्तव में वे शीघ्र ही इस स्वादिष्ट नए भोजन के बारे में जान गए. एंड आइसक्रीम बीकेम पॉपुलर विद एवरीवन. और ये आइसक्रीम हर एक के लिए लोकप्रिय बन गई, सबके लिए लोकप्रिय बन गई. सून इट स्प्रेड ऑल ओवर. और शीघ्र ही ये सब जगह फैल गई, सब जगह इसका इसकी जानकारी हो गई. दिस डिलीशियस न्यू फूड, इस स्वादिष्ट नए भोजन के बारे में. एंड आइसक्रीम बीकेम पॉपुलर विद एवरीवन. और आइसक्रीम सबसे प्रिय हो गई सब में. सोन इट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. और शीघ्र ही यह पूरी दुनिया में फैल गई. द फर्स्ट फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर आइसक्रीम वॉज स्टार्टेड इन बाल्टीमोर मैरीलैंड इन 1851. और आइसक्रीम बनाने की प्रथम फैक्ट्री, प्रथम कारखाना बाल्टीमोर मैरीलैंड में 1851 में शुरू हुआ. हाउएवर द रियल डेवलपमेंट ऑफ आइसक्रीम बिजनेस डिड नॉट टेक प्लेस अंटिल आफ्टर 1900 विद न्यू डेवलपमेंट इन रेफ्रिजरेशन. हाउएवर, किंतु द रियल डेवलपमेंट ऑफ आइसक्रीम बिजनेस, वास्तव में आइसक्रीम के व्यापार का वास्तविक विकास नहीं हुआ जब तक 1900 में रेफ्रिजरेशन के का विकास नहीं हो पाया. जब रेफ्रिजरेशन का विकास हुआ, फ्रिज का विकास हुआ, तब तक व्यापारिक रूप से आइसक्रीम का विकास वास्तव में नहीं हो पाया. द बेसिस ऑफ इट इज क्रीम, मिल्क और मिल्क सॉलिड, सुगर एंड समटाइम्स एग्स. और जो आइसक्रीम का आधार है वो मुख्य रूप से क्या है? क्रीम, मिल्क और मिल्क सॉलिड, सॉलिड मिल्क, सुगर मीठा चीनी एंड समटाइम्स और कभी कभी उसमें अंडे भी प्रयोग किए जाते हैं. वनीला, चॉकलेट, बेरीज, फ्रूट इंग्रेडिएंट्स एंड नट्स आर एडेड एज फ्लेवर्स. वनीला को, चॉकलेट को, बेरीज को, फ्रूट इंग्रेडिएंट्स, फलों के भागों को और नट्स अखरोट को स्वाद के लिए उसमें मिलाया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द एव पैसेज, उपर्युक्त पैसेज के पढ़ने के आधार पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिए. तो यहां नीचे कुछ प्रश्न दे रखे हैं, आइए उनको रीड आउट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड आइसक्रीम ओरिजिनेट? आइसक्रीम का निर्माण कब हुआ, ये कब अपने अस्तित्व में आई? चलते हैं पैराग्राफ में. देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को सेंस के आधार पर सेलेक्ट करते हैं, या फिर क्वेश्चंस में कुछ शब्द होते हैं उनके आधार पर हम इस क्वेश्चन का आंसर पैसेज में से फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं. तो आइए चलते हैं पैराग्राफ में. क्वेश्चन था, व्हेन डिड आइसक्रीम ओरिजिनेट? तो यह लिखेंगे इट, ये आइसक्रीम के लिए है. इसका आंसर, इट ओरिजिनेटेड इन द ओरिएंट सेंचुरीज बिफोर इंग्लिश स्कूल बॉयज फर्स्ट टेस्टेड इट. ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है. ठीक है,
इसमें ओरिजिनेटेड आ रहा है, इट के स्थान पर हम केवल आइसक्रीम लिखेंगे क्योंकि इट आइसक्रीम के लिए प्रयोग किया गया है। यदि आप इतना भी लिख देंगे तब भी हमारा आंसर सही होगा, लेकिन आइसक्रीम लिखेंगे इट के स्थान पर तो ये बेटर रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड आइसक्रीम बीकेम पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड? आइसक्रीम पूरे संसार में किस प्रकार से लोकप्रिय हुई, पसंद हुई? तो वही चलते हैं पैसेज में, इसका आंसर यहां से होगा, मार्को पोलो सा पीपल ईटिंग आइसक्रीम देयर एंड ब्रॉट बैक द आइडिया टू इटली, फ्रॉम इटली द आइडिया वॉज कैरीड टू फ्रांस, इट बीकेम वेरी पॉपुलर इन फ्रांस विद द राइस एंड एन एफर्ट वॉज इवन मेड टू कीप द रेसिपी ए सीक्रेट फ्रॉम द कॉमन पीपल, बट ऑफ कोर्स दे सून लर्नड अबाउट दिस डिलीशियस न्यू फूड एंड आइसक्रीम बीकेम पॉपुलर विद एवरी वन, सून इट स्प्रेड ऑल ओवर। This delicious new food and ice cream became popular with everyone. Soon it spread all over the world. इतना ये हम यहां से लेकर के यहां तक इतना लिखेंगे हम, जो क्वेश्चन था ये, हाउ डिड आइसक्रीम बीकम पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वॉज द फर्स्ट आइसक्रीम फैक्ट्री स्टार्टेड? आइसक्रीम की प्रथम फैक्ट्री कहां पर शुरू हुई? तो आइए चलते हैं पैराग्राफ में, द फर्स्ट फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर आइसक्रीम वॉज स्टार्टेड इन बाल्टीमोर मैरीलैंड। तो कहां पर प्रथम आइसक्रीम की फैक्ट्री शुरू हुई? तो ये यहां से, द फर्स्ट फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर आइसक्रीम वॉज स्टार्टेड इन बाल्टीमोर इन मैरीलैंड, ये हमारा सी हो जाएगा यहां पर। ये हमारा बी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिडंट द आइसक्रीम बिजनेस पिक अप? आइसक्रीम का व्यापार क्यों नहीं हुआ, क्या कारण था? पैराग्राफ में देखते हैं, हाउएवर द रियल डेवलपमेंट ऑफ आइसक्रीम बिजनेस डिड नॉट टेक प्लेस और पिक अप अंटिल आफ्टर 1900 विद न्यू डेवलपमेंट इन रेफ्रिजरेशन। तो इसमें हम केवल यहां से लेंगे, द रियल डेवलपमेंट ऑफ आइसक्रीम बिजनेस डिड नॉट टेक प्लेस until after 1900 with new development in refrigeration, यहां तक। इतना हम इसमें आंसर में लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, what ingredients गो इन टू द मेकिंग ऑफ एन आइसक्रीम? एक आइसक्रीम के बनाने में कौन कौन से अवयव, कौन कौन सी सामग्री लगती है? आइए चलते हैं पैराग्राफ में,
जो लाइन है जिसमें आंसर है द बेसिस ऑफ इट इज क्रीम मिल्क और मिल्क सॉलिड शुगर एंड समटाइम्स एग्स। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन में व्हाट इंग्रेडिएंट्स है उसके स्थान पर लिखेंगे हम क्रीम मिल्क और मिल्क सॉलिड्स शुगर एंड समटाइम्स एग्स। ठीक है, इतना लिख करके फिर लिखेंगे व्हाट इंग्रेडिएंट्स के स्थान पर क्या क्या लिखेंगे क्रीम, इतने को हम हटा देंगे, इसके स्थान पर लिखेंगे हम क्रीम मिल्क और मिल्क सॉलिड्स शुगर एंड समटाइम्स एग्स गो इनटू मेकिंग ऑफ एन आइसक्रीम। इस प्रकार से हम पैसेज से ये क्वेश्चन के आंसर हम छाट करके लिखेंगे। अब आते हैं हम इसके बी पोर्शन पर। ये सेक्शन बी है, ये मल्टीपल चॉइस में है, आंसर इसमें दे रखे हैं चार विकल्प के रूप में, सही आंसर पर हमें टिक करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शन, खाली स्थान में सही कंजक्शन को भरना है, प्रयोग करना है। मोनो वर्कड हार्ड, मोनो ने परिश्रम किया, डॉट डॉट फेल्ड, असफल हो गया, फेल हो गया, तो कंजक्शन भरना है। मोनो वर्कड हार्ड डॉट डॉट फेल्ड, तो हमें कंजक्शन भरना था, ये चार कंजक्शन है जो इसमें करेक्ट है उसे भरना है। बिकॉज क्योंकि, बट लेकिन, सो इसलिए, नन इनमें से कोई भी नहीं, तो मोनो ने परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया, तो लेकिन के लिए तो बट आएगा, इसमें हमें टिक करना है। ठीक है, हमें कितना आता है उसका मूल्यांकन है, असेसमेंट है, इसमें सूझबूझ, हम कितना अच्छा सोच सकते हैं किसी चीज के बारे में, सोच करके इसे हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो इससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग का, गंभीर सोच का पता चलता है कि हम कितनी क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नांकित वाक्य का सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस है हिज यंगर सिस्टर विल गो टू आगरा, उसकी छोटी बहन आगरा जाएगी, तो हमें इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। ये चार ऑप्शन है हिज यंगर, हिज यंगर सिस्टर विल गो टू आगरा। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है यदि सेंटेंस असर्टिव है तो वर्ब से पहले का पार्ट, वर्ब क्या है इसमें विल है, विल मॉडल है और गो मेन वर्ब है, तो हिज यंगर सिस्टर ये सी सही है। ठीक है, इसमें हमें टिक करना है। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये तो प्रेडिकेट पार्ट है, लेकिन जो सही सब्जेक्ट है वो हिज यंगर सिस्टर है। इस तरह के सेंटेंस स्टूडेंट्स ये कॉम्पिटिटिव भी होते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस। तो जो नई शिक्षा नीति है उसका जो मेन पर्पज है वो ये है कि बालक को कंपटीशन के लिए शुरू से ही तैयार किया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोफोनिक पेयर, निम्नांकित में से कौन सा समान ध्वनि वाला जोड़ा नहीं है। समान ध्वनि कहते हैं दो शब्द जिनकी स्पेलिंग अलग अलग हो लेकिन उनका उच्चारण एक जैसा ही होता हो, तो इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो
जिसकी समान ध्वनि नहीं निकलती है, जैसे डी आई ई डाई, डी वाई ई डाई, दोनों की ध्वनि एक जैसी निकल रही है। बी ए डी बेड, बी ई डी बेड, डी ई ए आर डियर, डी डबल ई आर डियर, इन तीनों की समान ध्वनि निकल रही है, इसकी भी इसकी भी। इसकी ध्वनि इसके जैसी है, इसकी ध्वनि इसकी जैसी है, या इसकी साउंड इसके जैसी है, इसका उच्चारण इसके जैसा होता है, इसका उच्चारण इसके जैसा होता है, इसका उच्चारण इसके जैसा होता है, लेकिन यहाँ यह है के आई टी ई काइट और के आई टी किट। इन दोनों का उच्चारण, दोनों की साउंड, दोनों की ध्वनि एक जैसी नहीं निकल रही है, यही हमें ढूंढना है। इज नॉट ए होमोफोनिक पेयर, समान ध्वनि वाला जोड़ा नहीं है इनमें से कौन सा, तो ये है इसका। क्वेश्चन को समझना फिर उसका आंसर देना, ये हमारी सूझबूझ पर ही निर्भर करता है, यही हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है। क्वेश्चन नंबर 5, ही इज ए फास्ट राइटर, द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस, यानी कि ही इज ए फास्ट राइटर, वह एक तेज लेखक है, इसमें जो फास्ट वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है। तो ध्यान दें यहां पर फास्ट ये नाउन से पहले आ रहा है, ये कॉमन नाउन है, तो ये एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है राइटर की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द सेंटेंस, सेंटेंस को पहचानिए, कौन सा सेंटेंस है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, तो ये किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसमें गोज आ रहा है, ठीक है, ये इसकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, और हेल्पिंग नहीं है तो मेन वर्ब से हमें उसके टेंस की जानकारी हो जाती है। तो पास्ट इंडेफिनिट में तो सेकेंड फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म तो ये है नहीं। अब इस पर आते हैं सी पर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो वो थर्ड फॉर्म भी नहीं है और हैज हैव भी नहीं आ रहा है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल सेल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो विल सेल के बाद फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आ रही है, सेकेंड भी नहीं है, हैज हैव के बाद थर्ड भी नहीं है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि एक वचन सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है, वो यहां लगा हुआ है, तो ये इसमें हमारा टेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है सेंटेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिवाइज, निम्नांकित वाक्य को पैसिवाइज में चेंज करना है। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, तो यहां पर ये चार पैसिवाइज में दिए हुए हैं। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिवाइज का नियम बनाने के लिए इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो हमें देखना है कि इज एम आर में से एक वर्ब इज या एम या आर के बाद थर्ड फॉर्म किस में आ रही है। ए लेटर इज रिटन बाय मी, इसमें इज के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, वैसे तो ये सेंटेंस ही इसकी पैसिवाइज है, ठीक है, टिक कर देते हैं। ये क्यों नहीं है, यहां पर वाज आ रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वाज नहीं आता है, इसमें इज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। ए लेटर आर, अब ए लेटर तो सिंगुलर है तो इसमें आर आएगा ही नहीं, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए लेटर इज रिटन बाय मी, ये है ए। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए मॉडल वर्ब, निम्नांकित वाक्य में से किस में मॉडल वर्ब है। ए
द पियोन रिंग्स द बेल, चपासी घंटी बजाता है। ही एंडेड द स्टोरी, उसने कहानी को समाप्त किया। आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो मॉडल जो वर्ब्स होती हैं वो अलग होती हैं, और हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं प्राइमरी, ये अलग होती हैं, ठीक है। तो मॉडल उन्हें कहा जाता है जो किसी काम को करने की विधि या ढंग को बताती हैं, ठीक है। तो इसमें होती कौन कौन सी हैं? विल, सेल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, ought to, used to, dare, need, ये हमारी मॉडल्स होती हैं। और इनमें से कैन इस सेंटेंस में आ रहा है, ये मॉडल है, ये ऑप्शन सही है, इस सेंटेंस के अंदर मॉडल है। नंबर 9, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू क्वेश्चन, निम्नांकित वाक्य को हमें क्वेश्चन में चेंज करना है। ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है। तो वाज ही रीड्स ए बुक, ये नहीं आएगा। सी है इज ही रीड ए बुक, ये भी नहीं आएगा। डज ही रीड्स ए बुक, देखिए जब डज शुरू में आता है इसमें ऐसे एस लगा हुआ है, तो शुरू में डज आएगा इसका क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है आया है, लेकिन इसमें एस भी लगा हुआ है तो ये सही नहीं है। तो ये उसका पोर्शन है सही, डज ही रीड अ बुक, जब डज शुरू में आएगा तो फिर इसमें एस नहीं लगेगा। सही क्वेश्चन इसका डी है। नंबर 10, द सिनोनिम ऑफ सीक्रेट, सीक्रेट शब्द का पर्यायवाची या समानार्थी हमें ढूंढना है। सीक्रेट मींस होता रहस्य, गुप्त या छिपा हुआ। जस्ट, प्योर, अनसीक्रेट, इनमें से तीनों में से कोई सा भी नहीं है। अनसीक्रेट तो कोई वर्ड होता ही नहीं है। प्योर मींस होता है शुद्ध, जस्ट मींस होता है न्यायी। तो यहां पर इसका सही जो सिनोनिम है, समानार्थी है, वो हिडन, छिपा हुआ या गुप्त। नंबर 11, विच अल्टरनेटिव इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ही सेड टू मी, कॉमा बेटा कॉमा बिगिन, व्हेन विल यू कम बैक, ये तो डायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट में है ही नहीं, रॉन्ग। माई फादर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, मेरे पिता ने कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है, ये इसमें सही ऑप्शन है। ही सेड आई कैन डू इट माई सेल्फ, ये रॉन्ग है। जब ही ने कहा कि मैं इसे खुद कर सकता हूं तो इसमें प्रोनाउन चेंज नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सी सेज दैट, वाई, दैट के बाद वाई, इस प्रकार से दो कंजक्शन इनडायरेक्ट में नहीं आते हैं, ये भी नहीं होगा। तो सही जो सेंटेंस है वो बी है। क्यों है? इसमें दैट भी आ रहा है और जो आगे है इसे वाले वैसे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा रिपोर्टेड वर्ब में, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो जो करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म है वो बी ही है। नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस टू ड्रा आउट ए शॉर्ट स्टोरी, निम्नांकित वाक्यों को सही क्रम में अरेंज करके एक शॉर्ट स्टोरी को बनाना है। पहला पार्ट है दे लिव्ड इन ए कैसल सराउंडेड बाय ए लार्ज फॉरेस्ट, एक बड़े जंगल के द्वारा चारों ओर से घिरे हुए महल में वो रहते थे। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, फार फार अवे, बहुत दूर, देयर लिव्ड ए किंग, एक राजा रहता था। ही हैड ए ब्यूटीफुल डॉटर, उसकी एक सुंदर सी लड़की थी, हु वाज ए प्रिंसेस, जो राजकुमारी थी।
इसके आगे इसमें तीन सेंटेंस और है नेक्स्ट पेज पर. इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट देयर वॉज ए वेरी बिग पॉन्ड एंड द बॉल फेल इन द पॉन्ड. जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा तालाब था और गेंद उस तालाब में गिर गई. फॉर हर बर्थडे वन ईयर, उसके जन्मदिन पर एक वर्ष, द किंग गेव हर ए गोल्डन बॉल एज ए प्रेजेंट. राजा ने उसको उपहार के रूप में एक सोने की गेंद दी. इट वॉज हर फेवरेट टॉय, ये उसका प्रिय खिलौना था. तो इन छह सेंटेंसेस को क्रम में लगाना है, पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, उस क्रम में. यहां चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो जो इसका ऑप्शन है, वंस अपॉन ए टाइम फार फार अवे देयर लिव्ड ए किंग, ये नंबर टू का है, ठीक है. उसके बाद था ही हैड ए ब्यूटीफुल डॉटर, ये नंबर थ्री पर है. दे लिव्ड इन ए कैसल, ये सेंटेंस नंबर वन पर है, तो टू थ्री वन. अब नंबर फाइव पर क्या है, एक वर्ष उसके जन्म दिवस पर राजा ने उसे एक सोने की गेंद उपहार के रूप में दी, ये नंबर पांच पर है. यह उसको बहुत प्रिय थी, या सोने की गेंद उसका प्रिय खिलौना थी, ये नंबर सिक्स है. इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट देयर वॉज ए वेरी बिग पॉन्ड, जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा तालाब था और गेंद उसमें गिर गई, ये नंबर फोर है. तो हम इसको पूरी कैलकुलेशन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसका ए पोर्शन, ए विकल्प सही है और सब ये रॉन्ग है. नंबर 13, द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट इज, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है, कुशल बनाता है. इस कहावत का मीनिंग है, द मोर यू डू समथिंग, जितना अधिक तुम कुछ करोगे, द बेटर यू विल बिकम एट इट, उतना ही अच्छा तुम उसे करोगे. इट इज ऑलवेज टू डू प्रैक्टिस, ये हमेशा अभ्यास करना होता है. डू नॉट एक्सपेक्ट ए पॉजिटिव रिजल्ट बिफोर यू कैन सी इट, इससे पहले तुम देख न लो, तुम जो है किसी भी सकारात्मक रिजल्ट की, परिणाम की आशा नहीं करते या नहीं करें. जस्ट बी होपफुल इन ऑल सिचुएशंस, सभी परिस्थितियों में हमें आशावान होना चाहिए या आशावान हो. तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट का न तो ये है मीनिंग और न ये है और न ये है. ये है कि द मोर यू डू समथिंग, जितना अधिक तुम किसी कार्य को करोगे, द बेटर यू विल बिकम एट इट, तुम उसमें उतना ही अधिक अच्छा होंगे. तो सही ऑप्शन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट का ये है, ठीक है स्टूडेंट्स. ये सी सेक्शन है, इसका डिस्क्रिप्टिव होता है. राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन टॉपिक, माय फैमिली, माय हॉबी, ए विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, इसको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, छोटा सा पैराग्राफ लिखना होता है. और फिर एक एप्लीकेशन है जो प्रिंसिपल को लिखनी है, अपने स्कूल की प्रार्थना करते हुए एक गणित में और विज्ञान में एक्स्ट्रा क्लास लगाने के लिए. तो इसको हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है. तो हमने ग्रामर का पोर्शन और पैसेज का पोर्शन आपको एक्सप्लेन किया, आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा. अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की ग्रामर से संबंधित और सिलेबस से संबंधित, टेक्स्ट बुक से संबंधित वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.